आप नवीन सिंगर की बात कर रहे हैं? जी मैडम जी। मैं रश्मि बोल रही हूँ, देवभूमि इनसाइडर न्यूज ऐप से। हेलो जी, बताइए जी, जी सर, तो बताइए। आप हमें बताइए कुछ कि मतलब ये क्या है, किस तरह का इनिशिएटिव है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैम, मैं बता देता हूँ आपको कि हम जो है, हमारी जीआईटी यूनिवर्सिटी एलुमनाई एसोसिएशन है, जो जी एक रजिस्टर्ड बॉडी है, जिसमें हमारे लगभग 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट एलुमनाई हैं जी सर और जो JC विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जी और लास्ट ईयर भी जब लॉकडाउन हुआ था, तब जी हमने बहुत मतलब जितना सहयोग हम कर सकते थे वो किया। हमने 1,500 लोगों का रोज खाना बना के हम भेजते थे। तो इस बार भी जी जब से ये पेंडेमिक हुआ है, तो जी हमने पहला जो प्रयास था, वो प्रयास जो हमने शुरू किया कि लोगों को जो है घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाना। जी सर उसमें ये था कि जो हमें हमने जब देखा, हमारे जो टीम है उसने सर्वे किया कि जो लोग हैं, जो एम्बुलेंस वाले, जी सर उन लोगों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। तो जी मनमाना पैसा जब वो वसूल रहे थे, तो हमने उस चीज को रोकने के लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू करी। क्योंकि हमने वो उस टाइम था, कोई भी एम्बुलेंस हमें नहीं मिली, जी सर और विश्वविद्यालय ने भी हमें अपनी एम्बुलेंस सेवा दी, कहा कि जब जरूरत हो, और क्योंकि वहां पे बच्चे हमारे रह रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी एम्बुलेंस को वहां से बाहर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन जी सर हमने एक वैन हायर की और जी उसको निशुल्क बिल्कुल चलाया। फिर जी सर निशुल्क ये वैन हमारी रोजाना कम से कम 15 से 20 पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाना, उसके बाद जो है उनको जो है क्या नाम, अगर किसी को बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ के जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो रही है, ICU की अवेलेबिलिटी करा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड की जरूरत है तो ऑक्सीजन बेड दिला रहे हैं उसको। जी 25 सिलेंडर हमने इकट्ठे किए एलुमनाई के सहयोग से, जो जी हमारे एलुमनाई है तो उनको हमने रोटेशन में हम चला रहे हैं उन 25 ऑक्सीजन सिलेंडर को। कोई 15 लीटर का है, कोई 50 लीटर का है, कोई 20 लीटर का है, तो जी जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको वो सिलेंडर प्रोवाइड कर देते हैं, ओके और ये भी हम निःशुल्क दे रहे हैं। अब ओके लेकिन हमने देखा कि ये सिलेंडर की जो मतलब जरूरत है, ये पूरी नहीं हो पा रही है, तो हमने 100 जो ऑक्सीजन के पफ जो आते हैं सिलेंडर कैन, जी वो हमने परचेज कराए और हमने लोगों को निशुल्क बांटे उसको, कि जिनको जरूरत है और उनको निशुल्क पहुंचाए। इसके अलावा मैडम, जी 400 जो कोविड के पेशेंट हैं, उनका खाना डेली हमारे उससे ही जा रहा है बन के जी एलुमनाई एसोसिएशन से, जिसमें हम लंच और डिनर जी हॉस्पिटल भेजते हैं, डेली डिलीवर करते हैं। जी और इसके साथ दूसरी जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जो शायद मतलब संस्था है, कि हमने एक टीम बनाई हुई है 2 लोगों की, तो 3 लोग उस बच्चे ही हमारे उसमें शामिल हैं। जी वो डेली जितने भी हमारे पास, जो हम एक हेल्पलाइन हमने लॉन्च किया है, हेल्पलाइन जी का नंबर मैं आपको शेयर करूंगा, तो जी हेल्पलाइन नंबर में हमने डाला है कि जो भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सब अवेलेबल होंगी, और ओके ये सभी सुविधाएं निशुल्क हैं, इसका कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, कुछ जी भी मतलब हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, और जी पूरी फंडिंग जो है, जो भी हो रही है, जहाँ से खाने में, ऑक्सीजन सिलेंडर में, दवाई में, और इवन अभी जो हमारे बच्चों ने, जो हमारे बच्चे US में हैं और UK में हैं, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। कल रात ही हमने एक मीटिंग की थी, जी सर उसमें बताया कि सर अभी आप क्या करिए, कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जी सर हॉस्पिटल के अंदर फ्रूट्स बटवाने शुरू करिए सर। तो अभी हमारी प्लानिंग चल रही है कि जो अभी गवर्नमेंट थोड़ा जो अगर 26 तारीख के बाद, 25 के बाद थोड़ा लॉकडाउन अगर थोड़ा बढ़ाती है उसका टाइम, तो जी सर हमारी टीम हॉस्पिटल में जा जाके सभी को जो अपनी ग्लूकोज के पैकेट जी सर और ये फ्रूट्स, ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है। वो हमारा तभी होगा जब हमें थोड़ा लॉकडाउन में रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।